हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम जा रहे हैं किट्टी पार्टी मनाने के लिए जून महीने की। तो कहाँ गए ये आगे हम बताएंगे। तो हम तैयार हो गए। ये शर्ट मैंने नायका में से मंगवाया था और बहुत ही अच्छा लगा और डिस्काउंट पर था, बहुत ही सस्ता आया। तो हम पहुँच गए रोबोल्यूसियस द फैमिली रेस्टोरेंट। वहाँ मेरी जाते ही किट्टी मेरी निकल गई है और खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, प्लेट्स लग गई है। डिनर पे तो रोबोट हमें सर्व करेंगे। रात है तो है, तो क्या होगा। तो देखिए कैसे रोबोट आ रहा है। ज्यादा देर नहीं बैठ पाया। तीन रोबोट दिख रहे थे, एक तो काउंटर पर लगा हुआ था, वो शायद डम्मी था। तो ये हमारा ऑर्डर तैयार हो गया है। अब कैसे पाथ पे आ रहा है वो देखिए। देख लेना, अटैक ना कर दे कहीं। एग्जिट बटन। दही जैसे हंग कर डाला, बहुत टफ किया। जैसे हम आलू के साथ ब्रेड रोल नहीं बनाते, उसको हंग कर। बेस तो आलू है। बेस नहीं, ब्रेड है। ब्रेड दही और ब्रेड, हम ब्रेड रोल नहीं बनाते आलू। हाँ ये दही है, उसको दही के साथ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर दही के शोले आ गए थे जो बहुत ही टेस्टी थे। साथ में चटनी थी वो और ज्यादा टेस्टी थी, दही वाली। नहीं, अच्छा। और ये हमारी मैडम है, वो फोटो खिंचवा रही है। बच्चे बन गए। ये रेस्टोरेंट ज्यादातर बच्चों के में बहुत फेमस है। बच्चे बहुत आते हैं, रोबोट के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो हम भी बच्चे बन गए साथ में। हमें बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा था। सारा ही जो दिया है ये नहीं, सब कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस करना। सर्व भी कर देते, खुद करो तो खुद भी कर सकते। रोबोट सर्व नहीं करता, केवल ले के ये जा रहे चिल्ली पटोटो बहुत अच्छे थे। गोविंद बोला सर्व भी कर देंगे। कई गेस्ट और भी आए हुए थे, उनके लिए ये सर्व कर रहा है। बच्चे आए हुए थे, बच्चों में बहुत पॉपुलर है ये रेस्टोरेंट। खाना सारा ही बहुत ही टेस्टी था। फिर हमने रोबोट के साथ फोटो खींचवाई अलग अलग पोज में।
और इस तरह बहुत मजा आया। आज तो किट्टी भी मेरी निकली थी। देखने के लिए धन्यवाद। बाय।